अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सदकल्लाहुल अज़ीम। कुछ लोगों के अंदर बड़ी नेगेटिविटी पाई जाती है इस मामले में कि वो कुछ चीज़ों को कतन नफ़ी करते हैं, लेकिन बाज़ लोग बड़े समझदार होते हैं। वो कुछ मामलात को जिनमें कुछ लोगों का आपस में इख्तलाफ पाया जाता है उनको बड़े ही एक अहसन तरीके से सर अंजाम देते हैं, उनको बड़े अहसन तरीके से मैनेज करते हैं कि आई मीन टू से वो हैंडल करते हैं कि असल में इस चीज़ की वजह क्या है, इस बात की वजह क्या है कि ये जो मामला हो रहा है या ये जो कोई सेरेमनी हो रही है इसकी आखिर वजह क्या है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने की वजह से आप सबको मुबारक हो, और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस हद तक हमसे खुशी मनाई जाए हमें खुशी मनानी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम अपनी जब हमारी कोई ना कोई खुशी आती है तो उसमें हम कभी कंजूसी नहीं करते, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी इस्तेताअत से बढ़कर अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करें। लेकिन जब मामला दीन पर आ जाए तो फिर हम एक दूसरे से इख्तलाफ करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हद से तजावज़ कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि जिनकी वजह से दूसरे लोगों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर आप बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लगाई जाती हैं, लेकिन उनका दरअसल किसी किस्म का इस चीज़ से वास्ता नहीं होता, जो कि नाज़ेबा चीज़ें होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब एट द पॉइंट अगर हम देखें मिलाद मुस्तफ़ा की तरफ, मैं किसी भी किस्म की बहस में नहीं जाना चाहता और ना ही किसी किस्म की आपको इस तरह के दलायल देना चाहता हूँ कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ और आप लोग गलत हैं, ये ठीक है, इस तरह है इस तरह है, मैं आपको इन बातों में नहीं उलझाना चाहता। मैं आपको एक सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ एक जगह पर बैठे हुए हैं, महफिल नुमा या मजलिस नुमा शक्ल में दायरा नुमा में वो बैठे हुए हैं और ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सुनन नसाई और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो सहाबी रसूल ने फरमाया कि हम आपके आने की खुशी में, अल्लाह ताला ने हमें इतना आला नबी, हमें इतना आला व बरतर नबी अता फरमाया, हम इस खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम उठाओ। तो उन्होंने कसम उठाई सहाबी रसूल ने कि हम वाकई में आपका ज़िक्र कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कसम लेना, कसम उठाना, इसका मकसद ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उन्हें बताया कि अभी जब मैं अपने हुजरे में इबादत कर रहा था तो मेरे पास जबरील आए और जबरील ने मुझे फरमाया, कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके और सहाबी रसूल की इस इबादत पे, इस याद में, अल्लाह ताला का शुक्र गुजारी में, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने रश करता है, अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला इस चीज़ से खुशी महसूस करता है और इस चीज़ से इत्मीनान महसूस करता है कि मेरे बंदे मेरा ज़िक्र कर रहे हैं। अब सहाबी रसूल ने अल्लाह ताला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया। इसमें अब हम अभी जदीद दौर में आए तो हमें ये पता चलता है कि अगर उस ज़माने में बैठकर ज़िक्र किया जाता था, अगर उस ज़माने में 50 लोग थे तो अब अगर 1000 हैं या 500 हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये एक तरक्की की सूरत है। और अगर उस ज़माने में दिया जलता था और इस ज़माने में अगर लाइटिंग की जाती है तो भी इस बात में कोई हर्ज नहीं, अगर एक महफिल सजाई जाती है और इसमें दिए जलाने की बजाय अगर महफिल में लाइटिंग कर दी जाती है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वही करता है जिसमें इस्तेताअत होती है।
अगर किसी के पास कोई 5 लाख रुपए है तो वो 5-10 हज़ार लगाकर ये मामला भी कर ले तो इसमें किसी किस्म का हर्ज नहीं। और फिर रहा मामला लोगों के लिए शरीनी या लंगर इस तरह की चीज़ें बनाने का, तो ये चीज़ें 100-100, 200-200 या 500-500 लोग मोहल्ले के मिलाकर इस तरह की जो लोग दूर दूर से महाफिल में आते हैं उनके लिए लंगर बनाते हैं। तो भी इस चीज़ में मेरे ख्याल से अगर आप गौर करें, आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं। अब जो चीज़ें गलत हैं या जो जिन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, खुद को समझाना चाहिए, वो ये है कि बेजा और हद से तजावुज़ जो हम चीज़ें कर जाते हैं या जिनमें हमें जाने अनजाने में गलत होते हैं, लेकिन बाज़ुकात तो हम मानते नहीं और बाज़ुकात हम मानते हुए भी अपनी बात पर डटे रहते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने घर में, अपनी गली में, अपने बाज़ार में झंडियाँ सिर्फ उतनी लगाएं जितनी आप बाद में आसानी से उठाकर संभाल सकें। अगर आप 2 झंडियाँ संभाल सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 ही लगाएं। अगर आप 10 संभाल सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप 10 ही लगाएं, क्योंकि अगर आप 2 संभाल सकते हैं और अगर आप और 5 लगाएंगे तो फिर ऊपर वाली जो 3 हैं वो जब गलियों में, नालियों में और इधर उधर आपको नज़र आएंगी तो फिर आप वो गुनाह सारा का सारा आप पे होगा, वो सारा का सारा बर्डन आप पे आएगा। तो खुदारा अगर आप खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो फिर मुनासबत से कीजिए, उतना कीजिए जिस जितने जितने को बाद में आप संभाल सकें। दूसरी बात, आप इस चीज़ को बड़े गौर से ऑब्ज़र्व करें कि अगर किसी हिंदू ने या किसी गैर मुस्लिम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक जगह पर लिखा होता या काबा को एक जगह पर बनाया होता या मदीना शरीफ को एक जगह पर बनाया होता और फिर बाद में उस पर वो छुरी चलाता, तो फिर हमने एहतजाज करना था, फिर हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलाना था, फिर हमने फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियोस डालनी थी कि आखिर क्यों क्यों इस बंदे ने ऐसा किया, क्यों इस कौम ने, इस मज़हब ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती की। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम केक पर लिखते हैं और फिर उस पर छुरी चला देते हैं। ये बड़ी एक काबिले गौर बात है कि हम काबा शरीफ को बनाते हैं, हम उसकी तस्वीरें अवेज़ा करते हैं, हम मदीना शरीफ की तस्वीरें अवेज़ा करते हैं और ऊपर छुरी चला देते हैं। ये कुछ बातें जो कॉमन सेंस की हमें खुद सोचनी चाहिए और हमारे जहन में ये आनी चाहिए कि आखिर हम ये मामला क्यों करते हैं और इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है खुशी हासिल करना। हमारी बर्थडे आई, हमने केक लाया, हमने काट लिया। हम घर में 1 पाउंड का या 2 पाउंड का काटते हैं, महफिल मस्जिद में थी, हमने 20 पाउंड का, 30 पाउंड का, 50 पाउंड का काटा, लेकिन हमने उसमें गलती क्या की, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा और फिर उस पे नाउज़ बिल्ला उसको छुरी से काट दिया। डेफिनेटली उसको काटना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसमें मुनासबत रखें, आप उसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और थोड़ा सा इनमें मुनासबत लाएं और इंशाल्लाह दूसरों को रोकना, टोकना या फिर नुक्स निकालना, ऐब निकालना। एक दफ़ा शेख सादी शिराजी अपने बेटे के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे तो उनके बेटे ने कहा कि बाबा हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग सो रहे हैं। तो शेख ने कहा कि बेटा बेहतर था कि तुम भी सोए रहते अगर तुमने दूसरों में से ऐब निकालने हैं, तो बेहतर है कि आप या तो खामोश रहें या फिर जो इस तरह के जो इबादत कर रहे हैं मुनासब तरीके से या उनके साथ मिल जाएं। दूसरों में से ऐब निकालना बंद करें और पॉजिटिविटी को फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दीन में हम दूसरों को इन्वॉल्व कर सकें।